इसमें दिख रहा है क्या? देख रहे हैं एक बार? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं आज हूँ मामेर, यहाँ के एक पीएससी केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पर डॉक्टर भी हमारे साथ है। आज हम इस हॉस्पिटल के बारे में भी जानेंगे और साथ साथ इसके अंडर में जो और हॉस्पिटल आते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटड़ा टाइम्स की ओर से, कैसे हैं? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी। और सर जैसे कि ये हॉस्पिटल जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मामेर, जी सर, ओके, तो यहाँ के बारे में बताइए कुछ। हाँ, ये हमारे को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मामेर है, APSC जिसको कहते हैं। यहाँ पे अपने जैसे कि आपको स्टाफ के बारे में आप जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँ कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गौरी शंकर रोत है, मैं GNM भी हमारा पोस्ट नाम है, मैं नर्स सेकेंड ग्रेड कहते हैं जी। मैं नर्स की पोस्ट पे यहाँ कंप्लीट। कितने समय से काम कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट यहीं हुआ है, 2016 से मैं यहाँ हूँ, फरवरी जी। तो यहाँ पर कार्य करते हुए कैसा महसूस करते हैं? मैं यहाँ कार्य करते हुए बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे भी मैं आया था तब ऐसा लगा था कि लोग कह रहे थे एरिया थोड़ा मतलब वो डरपोक जैसा है, ऐसे लोग ने मतलब ऐसी अफवाह फैलाई थी, लेकिन ऐसा मेरे आने के बाद, मेरे यहाँ जॉब करने के बाद मैंने ऐसा पाया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छा सा वर्क कर रहा हूँ, लोगों के साथ रह करके लोगों से मुझे अच्छा उम्मीद है, पेशेंट्स यहाँ आते हैं, अच्छे से देखता हूँ, अच्छे से कन्विंस करता हूँ, लोग मेरे से भी खुश है, आई थिंक मैं पेशेंट से भी खुश हूँ। अच्छी बात है। और आपके साथ शायद एक डॉक्टर भी है, इनका सर आपका नाम क्या है? जनकस कटारा में आए, आयुष मंदिर से। ओके, आपका क्या पद है? आयुष मंदिर से। ओके, तो सर जैसा कि यहाँ पर कुल अभी स्टाफ की क्या स्थिति है? स्टाफ की तो सर देखो, अगर स्टाफ की जो कहा जाए तो दयनीय स्थिति है। एट प्रेजेंट टाइम में तो हम दो ही हैं, या आयुष कंपाउंडर साहब हैं और मैं इसमें एलोपैथिक से मैं नर्स हूँ। बाकी डॉक्टर का पद हमारे पहले डॉक्टर महेश कुमार मीना जी थे, जो अभी ट्रांसफर हुए अभी जस्ट लास्ट महीने पर मैं इसमें इनका ट्रांसफर हो गया है, तो इंचार्ज का पद यहाँ वैकेंट है। और आपको एक इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि आदर्श PSC है ये, आदर्श PSC के तहत यहाँ पे अपने इसको योगा के लिए नए अपने आयुष डॉक्टर साहब का पद यहाँ सर्जित है, वो भी पहले भरा हुआ था, ये लास्ट 2 साल से ये वैकेंट चल रहा है, ये इनकी जगह पे आयुष कंपाउंडर थे, वो एक निकला था कि एक ही सत्य नीचे दोनों ये योगा वाला प्लस एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सुविधा मिले, इनके तहत ये लगे हुए हैं, बाकी पोस्ट बहुत वैकेंट है। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि ये PSC है, इस PSC के अंडर में अपने 7 सब सेंटर आते हैं, इनकी व्यवस्थिति देनी है महाड़ी से लगा करके यहाँ तक अपने 7 सब सेंटर है। इसमें है मंडवाल, लास्ट 2 साल से वैकेंट पड़ा हुआ है जी, कोई नहीं है, खुलता भी नहीं होगा। नहीं सर, कौन खोले? हाँ, रही बात वर्क, फर्स्ट बात तो ये कि वैकेंट है, वहाँ के वर्किंग की जहाँ बात की जाए तो हम लोग यहाँ से एक ग्रुप वैक्सीनेशन है और सारा एक सारे स्टाफ के ग्रुप को मिला करके NMs को वहाँ जैसे हमने टाइम सेटअप कर रखा है राउंड क्लॉक में, वीकली मंथली वहाँ ग्रुप में जाकर के सारा, जैसे अगर वो ANCO को टीकाकरण है, बच्चों का टीकाकरण है, इनका सारा वैक्सीनेशन हम ग्रुप वैक्सीनेशन के करा रहे हैं। काम तो खैर डिस्टर्ब तो हो ही रहा, फिर भी हम इस ग्रुप वैक्सीनेशन से काम चला रहे हैं, लेकिन जो जैसे कि पोस्ट वैकेंट है वहाँ NM होने चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन वहाँ हम 2 साल से वैकेंट पोस्ट लोगों को काफी दिक्कत आ रही है, वो सारी और दूसरा एक सावन क्यारा, वो भी वैकेंट है, वहाँ भी सिस्टर जी लास्ट 1.5 साल से इनका भी ट्रांसफर हो चुका है, वहाँ भी यही हाल है। इसके अलावा मेडी में सिस्टर जी हैं, इसके बाद महाड़ी जो कोटा से आप आ गया तो मेडी में जो है वहाँ पर वही रहते हैं? हाँ, सिस्टर जी वहीं, इनका रेजिडेंस वहीं है, वो वहीं इनके अपने सब सेंटर पे ही रह करके सेवाएं दे रहे हैं। उनका नाम क्या है? इनका नाम सरोज बाला है जी। इसके बाद अपन आगे आते हैं तो ये क्या सड़ा में भी सिस्टर जी हैं, निर्मला फलेजा करके, वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महाड़ी में खजानी देवी करके हैं, वो भी वहाँ पे रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो तो मॉडल सब सेंटर है। सड़ा
वहाँ क्या कहते हैं अपने महाड़ी में तो डिलीवरीज भी होती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये मंडवाल का आपको बता ही दिया मैंने वैकेंट है। इससे आगे एक महाद एरिया है, महाद सब सेंटर है, वहाँ पे बहुत लंबा एरिया है, 13 गांव पड़ते हैं उसमें। वहाँ पे पॉपुलेशन भी आई थिंक 13,000 से ऊपर है, 13,500। वहाँ पे इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो यूं लगता है कि ये पीएससी है वहाँ होनी चाहिए, यहाँ तो सीएससी होनी चाहिए। फिर भी वहाँ एक जेहर करके उधर आगे गांव है, वहाँ पे एक बिल्डिंग तो बनी हुई है लेकिन वहाँ कोई एनएम का पोस्ट वहाँ अपॉइंटेड ना तो सेंक्शन है शायद ना ही वहाँ पे भी पोस्टेड है। तो हम वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत हमारे को ये आ रही है, हम वहाँ जाकर के वही बात अभी आपको बताई मैंने कि ग्रुप वैक्सीनेशन कराते हैं सारी एनएम सिस्टर जी। ये कितने दिनों में होता है ये? जैसे भी सुविधा के अनुसार हम कराते हैं, वैसे मंथली में एक बार हम कराना ही कराते ही है। मौसमी बीमारियों में तो हम महीने में एक दो बार जाते हैं, जैसे मौसमी बीमारी आती है सीजनेबल डिजीज में तो महीने में दो बार जाना होता है। बाकी जो एएनसी है वैक्सीनेशन है बच्चों का ये सब चीज़ें इनके लिए हम महीने में एक बार जा करके ग्रुप वैक्सीनेशन सारी सिस्टर जी जैसे सारे अभी जैसे चार छः से दो खाली है तो 5 सेंटर पर जो सिस्टर उनको ले जा करके हम ग्रुप वैक्सीनेशन कराते हैं। ये बात है। और रही बात है अपने पीएससी की बता देता हूँ मैं, लुक में भी हैं सिस्टर जी, वो भी वहाँ रह करके अपनी सेवा ले रही है। खाली बात ये है कि मंदवाल खाली है, सावन केरा खाली है, 200 तो हमारे सब सेंटर खाली है और जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो महाद में जो स्टाफ होना चाहिए वो हमारे पास। महाद में कौन सी जगह सेंटर ये प्रॉपरली यहाँ से कितने किलोमीटर महाद 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 7 किलोमीटर है यहाँ से जाकर हम जब ग्रुप वैक्सीनेशन कराने जाते हैं तो यहाँ जाने के लिए सुविधा है नहीं, रूट वे अच्छा नहीं है तो वाया खेड़ग्रमा होकर के हम जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये 30 मतलब हमारे को पड़ता है यहाँ से 20 और 15 35 70 किलोमीटर पड़ता है तब जाकर हम जेहर का वैक्सीनेशन करा पाते हैं। मैंने दोतड़ में देखा एक सब सेंटर बना हुआ। हाँ बिल्डिंग से लेकिन वहाँ स्टाफ कोई नहीं ना तो सेंक्शन आई थिंक सेंक्शन के बारे में इतना मुझे नॉलेज नहीं है लेकिन स्टाफ 8% कोई नहीं है। जो महाद में सिस्टर जी बैठती है वो वहाँ का संभालते हैं, इसके बाद जो दूर का जो दूर दराज का एरिया है वो वैक्सीनेशन से हमारा काम चल रहा है। एक और सर बात की ये जो दोतर सेंटर है वहाँ पर अभी शायद टीचर रहते हैं। हाँ एक्चुअली इसका खोज ये है कि इसके बारे में तो हमारे MOIC सर ने भी शायद लेटर लिख रखा है कि इनको खाली करने के लिए जी। लेकिन दूसरी बात आपको बताऊँ यहाँ के स्थानीय क्या कहते हैं लोगों का रुझान इस तरफ हमें सपोर्ट करने में नहीं था तो हम ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाते। स्थानीय लोगों का इन टीचरों के साथ साथ है, इन लोगों ने हमें लेटर भी लिखा था, हमने भी इनको लेटर लिखा था कि ये बिल्डिंग खाली की जाए लेकिन वो लोग खाली नहीं करवा रहे नहीं कर रहे हैं। इनके पीछे क्या कॉज है वो डिटेल तो मुझे भी पता नहीं। ठीक है। और सर एक जो सब सेंटर होता है वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं लोगों के लिए होती है? हाँ एक सब सेंटर के अंडर में सर ये है कि एक तो वहाँ सिस्टर स्थानीय हो तो वहाँ पे बच्चों का टीकाकरण, एनसीओ का समय पे फॉलोअप। एनसीओ मतलब गर्भवती महिला है, एंटीनेटल केयर कहते हैं जिसको, जो गर्भवती महिला जैसे फर्स्ट मंथ से लगा करके 9 मंथ के बीच में जो वैक्सीनेशन होता है फॉलोअप होता है सब चीजें वो तो वो अगर सब सेंटर के अगर जहाँ सब सेंटर है वहाँ पे सिस्टर जी इनका समय समय पे मूल्यांकन बच्चों का वैक्सीनेशन संपूर्ण वैक्सीनेशन। तो एएनएम जहाँ है उनको वहाँ रहना जरूरी होता है या वो कहीं भी रह के? नहीं एक्चुअली वहाँ रहना जरूरी होता है इस बेल्ट के हिसाब से। मुख्यालय पे रहेंगे तो आई थिंक पेशेंटों को सही समय पे सही सुविधा मिलेगी। पेशेंटों को अभी थोड़ा सा इनमें अभिरुचि रहेगी कि भाई हाँ कभी भी वो NMNG वहाँ मिल जाती है ये सब चीजें। तो पॉजिटिवली ये है कि जिसको जहाँ अपॉइंटेड कर रखा है वो वहाँ रह करके सेवा देते हैं तो बेहद ही अच्छा। और ये गुरुवार के दिन कोई कुछ कार्यक्रम रहता है? हाँ ये गुरुवार के दिन वैक्सीनेशन ही होता है गर्भवती महिलाओं का और बच्चों का जो भी उसमें। हाँ इसका आपने पूछा कि कुपोषण, कुपोषण में सर ये है कि उसके लिए आशाएं जो फील्ड में वर्क जी वो
इनका सारा नाप तोड़ बच्चों का समय पे, जैसे उसमें हमारे पीएनसी विजिट कहते हैं जिसको, इसमें आशाएं करती हैं जिसको एनएम को फिर फॉलोअप कराना होता है, दो फॉलोअप शायद एनएम्स को करना होता है, बाकी तीन फॉलोअप कोई आशा भी साथ में रहकर करती है। उनमें फिर टाइम टाइम पे एसबीएनसी बोलते थे, होम बेस न्यूनेटल केयर कहते हैं, एसबीएनसी कहते हैं, वो पोस्टनेटल केयर में पीएनसी के टाइम में करना होता है, 45 दिन तक उनका ऑब्जर्व करना होता है। वो आशाएं फील्ड में करती है, बेंजियो को बताती है, और जैसे भी जैसे लगा कि कोई पेशेंट बच्चा माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण का शिकार है, तो वहाँ से रेफर करती है सब सेंटर पे, सब सेंटर पे यहाँ आता है, यहाँ एमओआईसी अपने स्तर पे ट्रीट करता है, नहीं तो फिर हाई सेंटर रेफर करने का मन सुविधा। ठीक है, और सर मामे ये जो केंद्र बना हुआ है जी स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर लोगों को क्या क्या सुविधा मिल पा रही है अभी? मैं जो आपने बताया पूछा कि मामेर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना, इसमें ये है सर कि एक तो अपने यहाँ सबसे पहले तो ओपीडी जो पेशेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है, ओपीडी आईपीडी ठीक से हो रही है। सेकंडली डिलीवरी इसका सबसे बड़ा इशू है, यहाँ बढ़िया से डिलीवरी होती है। अच्छा। यूँ समझो कि ये मामेर का मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा चढ़ा करके कहना वो नहीं है, लेकिन आप अच्छा सा बैकग्राउंड का भी पता लें, धरातल पे जाकर के आप पता करना सर कि यहाँ डिलीवरीज का बहुत बड़ा हमें अगर लोगों को हम मोदी जा रहे हैं, बच्चा लोग यहाँ कैसे भी हो। दूसरी बात क्या है कि यहाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली 60,000 से ऊपर 60-70,000 की जनसंख्या है यहाँ पे, पर मंथ मेरे यहाँ 45 से 55 डिलीवरी हो। और रही बात दूसरी, यहाँ ना तो अभी जैसे कि वैकेंट पोस्ट है, बात यह है कि विदाउट एमओ हम पेशेंट को, जैसे मैं हूँ, मैं जीएनएम हूँ, तो जैसे डॉक्टर होना जरूरी है, डॉक्टर के बिना मैं इतना ऑथर नहीं हूँ कि मैं पेशेंट को ले, इसके बावजूद भी मुझे इस क्रिटिकल कंडीशनों का सामना करते हुए पेशेंट को हैंडल करना होता, क्योंकि पेशेंट ये नहीं जानता कि कौन डॉक्टर है, कौन जीएनएम है, कौन एएनएम है, कौन क्या है। पेशेंट तो मेरे से ये सीधा संवाद करते हैं कि आप हॉस्पिटल खोल करके बैठे, आप ट्रीटमेंट करो, तो हम डिलीवरीज कराते हैं यहाँ। डिलीवरीज का अपने डिस्ट्रिक्ट का बोलो तो भी, इन ब्लॉक का बोलो तो इस मामले में डिलीवरीज, बाकी स्टेलाइजेशन जो नसबंदी का केस अपने लास्ट ईयर भी अप्रोक्सीमेटली 300 से ऊपर नसबंदी, यहाँ अच्छा टारगेट जाता है। कुल मिलाकर के इस पीएससी लेवल का जो वर्क हो रहा है, ऐसा वर्क आप अदर पीएससी में नहीं देख पाओगे, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। वो जी अच्छा रही बात, अगर ये स्टाफ ठीक से मिल जाए तो हम इसको और भी अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते। अच्छा, लोगों को हॉस्पिटल आने में सहज महसूस हो उसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? एक्चुअली बात यह है सर कि मेरे लेवल की जहाँ तक बात है, मैं बताता हूँ आपको कि लोगों के सबसे पहला मेरा प्राथमिकता ये रहती है कि लोगों के बीच में उनको कोऑर्डिनेट करना, कॉम्बिनेशन बिठा करके रखना, और उनको सहज भाषा में वो समझ सके ऐसी भाषा में उनको अच्छा सा मैं काउंसलिंग करता हूँ। एक दूसरे के बीच में जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन पेशेंट आया तो मेरे मतलब मैं ये नहीं कि मैं यहाँ सीट पे बैठा हूँ, पेशेंट बाहर खड़ा है कैसे क्या लेना, ये नहीं, मैं जैसे पेशेंट आता है उनको बुला करके पूछता हूँ क्यों आए हो, क्या हुआ, यहाँ की लैंग्वेज भी मैं अच्छी जानता हूँ, तो पेशेंट को इसकी भाषा, वो उस पेशेंट की भाषा को मैं समझ करके मैं उसकी भाषा में समझा करके जो भी इसकी समस्या, यहाँ तक जहाँ पीएससी लेवल तक जैसे कोई बीमार होकर के आया, तो मेरा प्राथमिकता ये रहती है सबसे पहले पेशेंट को देखूँ, और यहाँ जो भी ट्रीटमेंट जो अपने गवर्नमेंट निःशुल्क जो सुविधा है वो सारी मैं अवेलेबल हो जाता हूँ, और अपने यहाँ मेरे बस का रोग नहीं बचता है तब जा करके मैं हायर सेंटर रेफर जैसे पीएससी टू सीएससी को रेफर करता हूँ। ये दूसरी बात ये जर्नी सुविधा, जर्नी में जैसे जेएसवाई जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ने जैसे आरएसवाई जेएसवाई और एसएलवाई, जो एसएलवाई शुभलक्ष्मी योजना है राज्य सरकार ने चला रखी है, इसके बाद से राष्ट्रीय योजना है, ये इनको भी मतलब पूरा मेरा प्रयास रहता है कि यहाँ एमओआईसी सर थे, इनका भी ये सबका यही प्रयास रहता था कि हम उनको जो जेएसवाई आरएसवाई के तहत जर्नी के तहत जो मिलने वाली सुविधाएं हैं इनका हम लाभ दिलाते हैं। और सर यहाँ पर क्या क्या कमरे ऐसे बने हुए हैं सुविधाओं के लिए जो हॉस्पिटल में होने होते हैं? हाँ, जहाँ तक रूमों की कमरों की व्यवस्था की बात की जाए तो मेरे पास इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, डिलीवरी रूम पहले नहीं था लेकिन साइड में बिल्डिंग बन गई, बहुत बड़ी शानदार है, आप देखना तो देख सकते हो, बहुत बढ़िया रूम बने, पीएनसी वार्ड है, डिलीवरीज रूम है, बिल्कुल कम्फर्टेबल है, बिल्कुल मतलब दूसरी बात मेरे ओपीडी एमओआईसी क्वार्टर भी है, मतलब सब मिला करके रूमों की बात तो बढ़िया है, थोड़ा रेजिडेंसी हमारे जो स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टरों की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये बात है।
यहाँ पर अगर किसी को भर्ती किया जाता है तो उनके लिए रूम है। हाँ, ये इनके लिए हमारे जैसे पीएनसी, जैसे मेरे पास जैसे डिलीवरीज का लिए अभी 8 बेड है, ठीक है। इसके बाद ओपीडी बेस का जो मेरे को पेशेंट को एडमिट करना है, इसके लिए मेरे उधर साइड वाले रूम में भी कोट की व्यवस्था है, मेरे पास 4 कोट लगा रखे हैं। ड्रेसिंग रूम में एक इमरजेंसी साइड में मेरा ड्रेसिंग रूम है, उसमें भी जैसे कोई गिर करके आता है, किसी को मतलब पट्टी वट्टा करना है, इसके लिए भी व्यवस्था है। देखो रूमों की तो इतनी दिक्कत नहीं है, बस कुल मिला के बात आती है घुमा फिरा करके मेरे स्टाफ के लिए आती है, बस स्टाफ की बहुत बड़ा इशू ये चीज। और सर अभी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं कोटड़ा टाइम चैनल के जरिए, तो आप हेल्थ को ध्यान में रखते हो, क्या मैसेज देना चाहिए हेल्थ को एकदम ओके रखने के लिए? हेल्थ में तो ये देखो सर जी के सबसे पहले तो हेल्थ में तो कहते हैं स्वच्छता पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे तो हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन स्वच्छता जरूरी है, साफ सफाई। मैं थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ कि थोड़ी एक तो एजुकेशन का थोड़ा सा लॉस है, एजुकेशन का लॉस है तो एजुकेशन नहीं होती है, तो लोगों का थोड़ा सा मतलब 75% तो बहुत नाइस है, लेकिन कुछ ऐसा है जैसे बच्चे हैं जैसे नालियों में गंदे पानी में नहाते ये करते हैं, इनको इचिंग इचिंग का ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है। स्वच्छता और शिक्षा पे अगर लोग ध्यान देंगे तो हेल्थ इनका बहुत उत्तम रहेगा। सर ये स्कूल जो रहती है उनमें कुछ हेल्थ चेकअप का ऐसा कोई कार्यक्रम? हाँ, इसमें यूं है सर जी के जैसे गवर्नमेंट ने अच्छा सा चला मतलब वो चला रखे हैं, जैसे आरबीएस के एक आरकेएस के आरबीएस के तहत ये होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में, उसमें एक अलग से टीम है, मेडिकल हेल्थ टीम है, वो स्कूलों में जाकर के विजिट करती है, बच्चों को चिन्हित करती है, उनको वहाँ ट्रीट करती है, नहीं तो फिर हायर सेंटर रेफर करके उनको मतलब मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराती है, हेल्थ सुविधा उपलब्ध कराती है। ये एक आरकेएस के होता है, आरकेएस राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसके तहत भी हमें क्वार्टरली मतलब हर 3 मंथ में वो भी हमें स्कूलों में जैसे मेरे अपने बीएससी के अंडर 8 स्कूलों का वो नामकरण हो रखा है, तो हम उसको भी हर 3 मंथ में जाकर के स्कूलों में वो कैंप कराते हैं, बच्चों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे जो हेल्थ के अंदर में जो हमें उनको जागरूक करना चाहिए, सारे हमारा प्रयास रहता है कि हम स्कूल में जाकर के कैंप करवा करके उनको इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी अवेलेबल करवाते हैं। जी सर, थैंक यू। जयप्रकाश जी, आप कैसा महसूस करते हैं यहाँ सेवा देते हुए? तो मैं भी बढ़िया महसूस करता हूँ, आदिवासी अचल सेवा करने के लिए बढ़िया हूँ सर जी। हम लोगों का जो लोकेशन थे वो आयुष वाले उनका भी ट्रांसफर हो गया सर, तो मैं इनके साथ मेरे सेवा दे रहा हूँ सर। तो कैसा लगता है? बहुत ही बढ़िया लगता है सर इनके साथ अच्छे सेवा देने की। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों ये हमारे साथ थे डॉक्टर गौरी शंकर जी और साथ ही साथ में जयप्रकाश जी, जिनके साथ हमने बातचीत की और मामेर जो स्वास्थ्य केंद्र है वो और आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में जाना। इसी के साथ आप हम अभी अलविदा लेंगे और फिर मिलेंगे कोटड़ा टाइम्स के इस कार्यक्रम में, और आप इसी तरह बने रहिए आपके अपने दोस्त विनोद के साथ। नमस्कार। क्या चाय तो इतने टाइम हो